क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही जिसके आपको क्या लगता है सर कोई बड़ी? देखिए जो अधिकांश जो हमने घोषणा की थी उसे पूरा करने में हम सफल रहे, चाहे 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी का मामला हो, चाहे वो ऋण माफी का मामला हो, चाहे 4000 रुपये प्रति मानक बोरा के हिसाब से तेंदुपत्ता देने की बात हो, चाहे वन अधिकार अधिमान्यता पत्र जो वनांचल में रहने वाले लोगों को देने की बात है, और 35 किलो चावल हर परिवार को हमने देने की घोषणा की थी, उसमें भी बिजली बिल आधा, और उसके साथ साथ जो छोटे प्लाट के रजिस्ट्री के मामले हैं, और अभी जो हम लोगों ने फैसला लिया है कि 12वीं तक के जो बच्चों के पढ़ाई में मुफ्त पढ़ाई होगी, इस प्रकार से जो फैसले लिए हैं निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए मील का पत्थर साबित होगा, और रोजगार की दिशा में भी शिक्षक के भर्ती और प्रोफेसर के असिस्टेंट प्रोफेसर के भर्ती, ये सारे निर्णय लिए हैं जो कि हमारे लिए उपलब्धि है और इसे हम लोगों को कंटिन्यूस भी करना है। 6 महीने में बहुत सारे निर्णय, सबसे बड़ी उपलब्धि व्यक्तिगत तौर पे आपको कौन सी लगती है, किसे मानते हैं? देखिए ये किसानों के चेहरे में जो प्रसन्नता है, गरीबों के चेहरे में जो खुशी है, आदिवासी जो जंगल में रह रहे हैं उस जो जमीन के लिए हमेशा लड़ाई लड़ रहे थे, वो जो चेहरे में प्रसन्नता है वो सबसे बड़ी उपलब्धि है मेरी। देखिए वो न्यायालय के आदेश से हुआ है, और चिटफंड कंपनी में गड़बड़ी हुई है और बहुत लोग भ्रम में पैसे लगाए और वो डूब गया है, हमारी कोशिश है कि वो चिटफंड कंपनी से उसकी संपत्ति या तो स्वाभाविक रूप से वो दे दें तब, या उनके कुर करके दें तब, लेकिन लोगों के पैसा वापस मिलना चाहिए। कहा है कि आने वाले दिनों में और भी फैसले तेज होंगे, आपने जो लोगों को मैसेज दिया है 6 महीने के उसमें शहरी उपभोक्ताओं को जैसे बिजली बिल हाफ करने का और अन्य भी बड़े फैसले हैं, वो समय पे होंगे कि कैबिनेट डिसीजन लेगा आगे देखते हैं। कल अमित जोगी ने आपके दिए बयान को उल्टे तरीके से ले लिया, एफआईआर हो गया। एक तो जो हमारे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ हम लोग जहाँ चिकित्सा की कमी है वहाँ हम लोग हाट बाज़ार में डॉक्टर भेज के पूरी यूनिट रहेगी और पायलट प्रोजेक्ट रूप में उनके साथ उनके परीक्षण भी करेंगे, वहाँ दवाइयाँ भी करें इलाज भी करेंगे, और दूसरा उन्हीं क्षेत्रों में कुपोषण से लड़ने के लिए जो आदिवासी वहाँ जो उनके पसंदीदा भोजन है जो पौष्टिक भी हो उसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लेंगे। अच्छा एक चीज़ और, नरवा गरवा भुरवाड़ी आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसका कब से असर देखना शुरू हो जाएगा? अभी आपके पत्रकार को मैं कल ही ले गया था, उसके गांव में हुआ है, अभी हम लोगों ने इसको चिन्हित किया, 15% जो पंचायत है उसमें हम काम शुरू करेंगे, और लगभग 300 जो गौठान हैं उसका निर्माण भी हो चुका है, और ये जो अब बारिश लग गया है जैसे फसल बुआई होगी सारे जानवर गौठान में आने लगेंगे, तो मैं समझता हूँ अगले महीने उसका असर दिखाई देगा। चीट फंड कंपनी वाले जिन लोग ठगी का शिकार हुए हैं उनको भरोसा एक आपने दिया है, तो ये कब तक? ये देखिए टाइम लिमिट इसलिए नहीं किया जा सकता कि बहुत सारी जानकारी है और बहुत सारे उसके विधिक कार्रवाई भी है, वो करने के बाद ही होगा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई ही नहीं हो रही थी, केवल एजेंटों की गिरफ्तारी हो रही थी, बेहद दुर्भाग्यजनक बात। नहीं, वो घोषणा मैंने कर दिया।